सो हे गाइस, संदेश से आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फोटो एडिटिंग को लेके। आखिर कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए सही है, हमें उसे यूज करना चाहिए। ओके गाइस, सो देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए मतलब मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देख पा रहे हो बहुत सारे ऑप्शन है। ओके सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले तो हम जाएंगे प्ले स्टोर ऐप में। ओके सो हम यहाँ सर्च करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस ऐप के बारे में जिसका नाम है लाइट रूम। बहुत ही कमाल की ऐप है फोटो एडिटिंग में। मतलब गाइस, आप इस ऐप की रेटिंग्स चेक कर सकते हो, मतलब आई मीन रिव्यूज 4.4 स्टार, 696 के रिव्यूज, तो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही बढ़िया है। ओके से एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल की है, लेकिन जिनको फोटो एडिटिंग आता है। ओके गाइस, सो गाइस, मैं दूसरा और एक ऐप को रिकमेंड करना चाहूंगा जो बहुत ही यूजफुल है, उसका नाम है स्नैपसीड। आप देख सकते हो बहुत ही कमाल की ऐप्स है। मतलब गाइस, आप इस ऐप का भी रेटिंग्स चेक कर सकते हो, मतलब आई मीन रिव्यूज 4.5 स्टार, 1 मिलियन रिव्यूज, सो दिस इज वेरी गुड ऐप, अमेजिंग। ओके तो गाइस, मैंने आप लोगों को दोनों ही अच्छा ऐप के बारे में बोल दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि लाइट रूम और स्नैपसीड। लेकिन गाइस, पता है क्या, इनमें आप फोटो एडिटिंग करने के लिए पहले तो आपको साइन अप करना पड़ता है, दूसरा आपको सीखना पड़ता है कि ब्राइटनेस कितनी रखनी चाहिए, वाइब्रेट कितनी रखनी चाहिए, तभी फोटो की क्वालिटी जो अच्छी होती है। सो गाइस, मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको फोटो बिल्कुल एडिट करना नहीं आता है, सो उन लोगों के लिए मैं कमाल का एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो बहुत ही यूजफुल है। ओके गाइस, एप्लीकेशन का नाम है फोटो लैब। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मतलब इस एप्लीकेशन में आपको फोटो खुद एडिट करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का रेटिंग्स 4.4 स्टार, 2 मिलियन रिव्यूज, सो 2 मिलियन सबसे ज्यादा, बहुत ही कमाल का है गाइस। सो गाइस, अगर आपको फोटो एडिटिंग नहीं आती है तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जो बहुत ही अच्छी है। बिकॉज गाइस, आप देख सकते हो मैंने एक फोटो उस एप्लीकेशन से एडिट किया था, मतलब फोटो लैब। सो देख सकते हो कितना कमाल का है, फोटो देखने को मिलता है बहुत ही प्रोफेशनली। सो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है गाइस। और गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्नैपसीड और लाइट रूम में फोटो एडिट कैसे करते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। ओके और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किस